तो वेलकम बैक टू रिशो एकेडमी गाइस, बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है आप सभी के लिए। यहाँ पे दे रहा है 1346 अभ्यर्थियों ने छोड़ी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, लेकिन ये थोड़ा क्या सही है क्या गलत मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने वाला। इसका कट ऑफ पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आप कम नंबर पाए हो तो क्या सिलेक्ट हो जाओगे, अगर ज़्यादा नंबर पाए हो तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इस दोनों की बातें हम करेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो से पता चलेगा। तो गाइज आ जाओ मैं तुझे न्यूज पे चलता हूँ। कुशीनगर राजकीय पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा शनिवार को जिले के 13 केंद्रों में, ये कुशीनगर का न्यूज है, अब सिर्फ कुशीनगर का बता रहा हूँ, 13 केंद्रों में कराई गई। कुछ केंद्रों पर दो पाली में परीक्षा हुई, इसमें से 4817 अभ्यर्थियों में से 1346 ने परीक्षा छोड़ी। अब मैं आपको टोटल बता दूं कि 400,000 फॉर्म भरे गए थे, 400,000 फॉर्म भरे गए थे साथियों, जिसमें से 35% लोगों ने, अगर पूरे यूपी में देखें तो, परीक्षा को छोड़ दिया है। इसका सीधा सा असर आपके कट ऑफ पे बनेगा, रैंक पे पड़ेगा। अगर तुम 180 नंबर पाए हो, 170 पाए हो, 160 पाए हो, तो भाई काउंसलिंग बिल्कुल कराना, इसके ऊपर जो पाए हो वो तो तय है कराना ही कराना, उनका तो है, तुम काउंसलिंग जरूर कराओगे, एकदम 100% चांसेस है तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की। तो भाई एकदम इस चीज को टाल लो। मेरे हमेशा ऐसा होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे, इतना कम नंबर, लेकिन पता चलता 50 नंबर वाले का, 60 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट में। इसलिए मैं आपको ऑफिशियली, सिर्फ एक जिला का है इसलिए मैं ऑफिशियली बता रहा हूं आपको कि 35% लोगों ने परीक्षा छोड़ी है। आ जाओ आगे की बात। अब देखो बुद्ध इंटर कॉलेज ब्लॉक ए ब्लॉक बी में भी छोड़ दिया इन्होंने, बहुत सारे स्टूडेंट ने छोड़ा है भाई, तो कोविड-19 का निर्देश भी दे रखा है। तो साथियों इस चीज़ को याद रखें, ये न्यूज़ बहुत गंभीर होने वाली है, आप सब इसको फायदा दे के जाएगी, कम नंबर पाए हो तब भी काउंसलिंग जरूर कराना है साथियों। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जितना हो सके शेयर फॉरवर्ड कर दो दोस्तों को, घबराना मत भैया, टेंशन मत लेना। गवर्नमेंट कॉलेज देखो सब के सब अच्छे हो, चाहे लखनऊ हो, सब एक ही जैसे, पढ़ाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी वहाँ पे। इस पर मैं एक गंभीर वीडियो बनाऊंगा, तुम कमेंट कर देना सर कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है, एक बार वीडियो बना दीजिए मैं बना दूंगा। तो चलिए ऑल दी बेस्ट गाइस, नए बैचेज की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, यूपी का हो किसी भी स्टेट के आप हो, स्टार्ट हो चुकी है पढ़ाई, ऑल दी बेस्ट गाइस। आई होप जितना जितना मार्क्स आपका होगा, आपका जितना नंबर आया होगा एक्चुअल में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, रिजल्ट का डेट भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, आंसर की बताऊंगा, आंसर की का भी बताऊंगा डेट, फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। ऑल द बेस्ट गाइज़।